इंडियन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। बता दें कि सिद्धरमैया होंगे कर्नाटक के अब नए मुख्यमंत्री। आज दोपहर ठीक 12:30 बजे सिद्धरमैया का शपथ ग्रहण समारोह होगा। डीके शिव कुमार होंगे कर्नाटक के डिप्टी सीएम। शपथ ग्रहण की तैयारियां अंतिम दौर में है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल होंगे। आपको बता दें कि एमपी पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी है, ठीक 12:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। आज शपथ ग्रहण समारोह है, ऐसे में लगभग 8 बज चुके हैं और आपको बता दें कि 12:30 बजे ताजपोशी होनी है। सिद्धरमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस की भारी जीत देखने को मिली और उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री के नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, जिसके बाद आलाकमान ने फैसला लिया और सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री पद दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम होंगे। फिलहाल आज ताजपोशी है और ऐसे में कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कर्नाटक जाएंगे ताजपोशी में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आपको बता दें कि पीसीसी मोहन मरकाम, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इसमें शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। तो बड़ी जानकारी है, सिद्धरमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे, आज उनकी ताजपोशी होने जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी, साथ ही साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ताजपोशी में शामिल होंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ठीक 12:30 बजे ताजपोशी का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तैयारियां जो हैं, अगर तैयारियों की हम बात कर लेते हैं, तो तैयारियां अपने अंतिम दौर में चल रही हैं क्योंकि लगभग 8 बज चुके हैं और 12:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। ऐसे में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। फिलहाल हाल ही में चुनाव हुए, रिजल्ट आया और रिजल्ट में आपको बता दें कि कांग्रेस की भारी मतों से जीत हुई है। ऐसे में अब सिद्धरमैया नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कर्नाटक के और आपको बता रहे हैं कि डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। तो ये नया अपडेट और ताजा अपडेट है। फिलहाल 12:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। समरता कुलभूषण और रायपुर से जगजीत हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट के साथ। पहले कुलभूषण का रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, जिस तरीके से आज ताजपोशी होनी है कर्नाटक में, ऐसे में जानकारी ये भी है कि कमलनाथ भी वहां पर जा रहे हैं और साथ ही साथ कई अहम नेता जो हैं वो शिरकत करेंगे। देखिए, कर्नाटक की अगर बात की जाए तो आज कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की शपथ सिद्धरमैया लेंगे और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। इसके साथ ही जो लगातार पिछले 3 से 4 दिनों में हमने देखा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के निवास में और सोनिया गांधी से लगातार बातचीत होती हुई नजर आ रही थी फोन में, क्योंकि सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार की अगर हम बात करें तो शिवकुमार जो है मानने को तैयार नहीं थे। शिवकुमार का ये कहना था कि हम मल्लिका अर्जुन खड़गे के नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं, लेकिन लगातार जो है बातचीत उनको मनाने का सिलसिला जारी रहा और आखिरकार वो माने और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक के रहेंगे। आज 11:30 बजे सिद्धरमैया कर्नाटक में मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे और शपथ के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित पूरे देश की अगर बात की जाए तो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस पूरे शपथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है कर्नाटक में। इसके साथ ही मध्यप्रदेश से कांग्रेस
प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिलहाल दिग्विजय सिंह भी जो है कर्नाटक पहुंच सकते हैं, तो कह सकते हैं कि एक भव्य रूप में कर्नाटक के जो सिद्धारमैया हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, काफी सीनियर लीडर हैं, इसके पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री की, इसके साथ ही कई विधायक जो है वो कैबिनेट की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, जगजीत का रुख कर लेते हैं। जगजीत, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जा रहे हैं कर्नाटक ताजपोशी में शामिल होने के लिए, आपके पास जरा जानकारी क्या है? जी बद्रुबन, देखिए मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में जैसे जिस तरीके से आज ताजपोशी की जा रही है और नए मुख्यमंत्री आज कर्नाटक को मिल जाएंगे, और लगभग 12:30 बजे का कार्यक्रम जो तय किया गया है उस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल ही रवाना हो चुके हैं और वो इस वक्त बेंगलुरु और कर्नाटक में वो पहुंच चुके हैं। और लगातार देखिए आज उन पूरे तमाम कार्यक्रम में जो ताजपोशी के कार्यक्रम है, नए मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम है, उनके शपथ ग्रहण के जो कार्यक्रम है, उसमें जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके अलावा अगर हम बात करें पद्मवन, तो देखिए पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और देखिए इन पूरे तमाम कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के जो दो बड़े दिग्गज नेता हैं, एक मुख्यमंत्री होगा, एक पीसीसी अध्यक्ष होगा, ये दोनों ही पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। चूंकि अब कर्नाटक का जो कार्यक्रम है वो लगभग 12:30 बजे के बाद वो स्टार्ट होगा और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो होगा वो 12:30 बजे के बाद होगा, तो इस पूरे कार्यक्रम में देखिए छत्तीसगढ़ के जो दिग्गज जो नेता हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। और देखने वाली बात है कि देखिए किस तरीके से फिर ये पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ये वापस आज शाम को इनकी वापसी भी हो जाएगी और छत्तीसगढ़ के कल जो तमाम बड़े कार्यक्रम है उसमें भी वो शामिल होंगे। जी, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट